हे गाइज और मोस्ट वेलकम ऑन मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म। माई नेम इज़ लामिन नसीम। वट आई एम ऑब्जर्विंग, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हो सराउंडिंग से। कोई अगर आपको कहता है कि भाई गेट करना चाहिए तो आपको लगता है हाँ हाँ गेट ही एक ऑप्शन है। अगर कोई बोलता है बिजनेस करना चाहिए तो आपको लगता है हाँ हाँ ये भी एक ऑप्शन है, बिजनेस की तरफ चलते हैं, चलो उधर ट्राई करते हैं। एक चीज़ लाइफ में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो लाइफ में करना चाहते हो ना, वो आप ही समझ सकते हो और आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। आपको IIT जाना है, आपको PSUs जाना है, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है, बिजनेस करना है, और ये सारी लाइन्स अच्छी हैं। अगर आप मुझसे बोलोगे कि इसमें से वन ऑफ दी बेस्ट क्या है, नथिंग इज़ बेस्ट। जो आपके फेवर में हो, जो आप पसंद करते हो और जो आप करना चाहते हो, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। सो डोंट बी मैनिपुलेट फ्रॉम दिस सराउंडिंग, बिकॉज सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते रहेंगे, बट अल्टीमेटली डिसाइड आपको ही करना है। अगर एक ऐसा रॉन्ग पाथ आप चूज़ करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा है काम में, और आप वो करोगे तो आप बहुत ज़्यादा दिन वो चीज़ कर नहीं पाओगे, ठीक है। सो गेट करते हो, वेल एंड गुड, आप उधर भी जा सकते हो, वरना और भी आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज का जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप कुछ भी अलग डिफरेंट करते हो ना, तो उसमें भी आपको ऑडियंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इवन आज का टाइम ऐसा है, आप छोटा सा बिजनेस भी कर सकते हो। जितने आपको PSU में सैलरी मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा आप छोटे से बिजनेस में भी कमा सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें आप पर ही डिपेंड कर रही हैं। सो ट्राई टू थिंक लाइक फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम दी सराउंडिंग साइड, ओके। अपने माइंड से सोचो कि आपको करना क्या है, देन डिसाइड, बिकॉज टाइम इज़ प्रीशियस, लिमिटेड है। अगर आप इसको ऐसे वेस्ट करते चले जाओगे, एक एज होती चली जाएगी, उसके बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। एंड फेल्योर से भी मत डरो, लाइक अगर कुछ ट्राई करते हो फेल हो जाते हो, डोंट वरी, लाइक आपको उससे लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। कोई दूसरी चीज़ ट्राई करो, आपको लगता है एक काम नहीं चला, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा, जो जो आपके माइंड में आता जा रहा है, एटलीस्ट आप उसे इम्प्लीमेंट करते जाओ एंड देखते हैं कि भाई उसमें सक्सेस मिलती है या फेल्योर मिलता है। दोनों में ही फायदा है, फेल्योर मिलेगा तो भी सीखोगे और सक्सेस मिलेगी तो आप उसे और ज़्यादा आगे जाके बड़ा कर सकते हो, ठीक है। सो अपनी लाइफ के बारे में आप खुद से डिसाइड करिए, आप सराउंडिंग के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मत डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। इससे आप जल्दी सक्सेस को अचीव करोगे, जल्दी एक ऐसे पाथ को आप पकड़ लोगे जहाँ जिस पाथ पर आप एक्चुअली में चलना चाहते हो, ना कि ऐसा पाथ जो लोगों ने आपको सजेस्ट कर दिया, एक्चुअली वो आपके लिए था ही नहीं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।